जनपद के तीनों नदियों के जलस्तर में उतार जारी है। राप्ती, रोहिन और सरयू नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन राप्ती नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों के द्वारा निगरानी की जा रही है। जनपद स्तर पर 32 जगहों पर नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो भी गांव बाढ़ प्रभावित है उनके लिए बाढ़ राहत किट वितरण कराया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं को चारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। बाढ़ के पानी से अगर फसलों की क्षति हुई है तो उन्हें राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा प्रबंधक गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अब नदियाँ लगातार सारी रिसीट कर रही हैं। इस समय अयोध्या पे जो सरयू नदी है वो भी खतरे के बिंदु से नीचे आ गई है। राप्ती भी लगातार रिसीट कर रही है, हालांकि अभी खतरे से ऊपर है लेकिन वो भी काफ़ी तेज़ी से उसमें पानी घट रहा है। रोहिन भी खतरे के बिंदु के नीचे आ चुकी है, तो काफ़ी देखा जाए तो चारों तरफ पानी काफ़ी तेज़ी से घट रहा है, पानी रिसीट कर रहा है। और हालांकि जब पानी रिसीट करता है तो तटबंधों की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है, तो लिहाजा उसके तटबंधों को सतत निगरानी की जा रही है। टीमें लगातार फील्ड में रहें और आज भी कई क्षेत्रों में जिलाधिकारी महोदय और अन्य सभी अधिकारीगणों ने इसका निरीक्षण किया है और लगातार विजिट कर रहे हैं। जनपद स्तर पर 32 अधिकारीगण आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार लगाए गए हैं, जो कि इनके बीच में 7 से 8 गांव डिवाइड किए गए हैं और वो भी लगातार टीमों का परीक्षण कर रहे हैं ताकि जो भी समुचित व्यवस्थाएं हैं जो जन समुदाय को मिलनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध हों और सारी व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित की जा रही हैं। सर, जो बाढ़ प्रभावित गाँव उनकी क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है? देखिए, जो बाढ़ प्रभावित ग्रामीण हैं उनके मध्य हम लोगों ने एक राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसमें 17 प्रकार के सामग्री संसाधन उसमें दिए गए हैं। उसके अलावा तारपोलिन शीट है, जेरिकेन है, ये सभी संसाधन दिए जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में विद्युत कटौती हो गई थी या ज़्यादा विद्युत बाधित है वहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ पर कैरोसिन ऑयल का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। पशुओं हेतु लगातार चारा वितरण की भी कार्रवाई की जा रही है पशुपालन विभाग द्वारा। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार क्षेत्रों में है, भ्रमण कर रही है, जो भी जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की दवाएँ या किसी संसाधन उपलब्ध कराने हैं वे सभी संसाधन वहाँ पर उपलब्ध करा रही हैं। इसके अलावा जो और अन्य कहीं घर पर अगर कहीं किसी का घर गिर गया है या कहीं कोई नदी कटान हुए हैं, किसी का कोई क्षति हुई है इस तरह की, तो उसका भी आकलन करके उन्हें समुचित राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो पानी रिसीट करने के कारण अब फसल क्षति का भी आकलन प्रारंभ कर दिया जा रहा है। जो भी फसल क्षति हुई है उन्हें राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी शासन द्वारा अनुमन्य सहायताएं हैं वो सभी सहायता ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही है।